देख रहे हो गाइस, आज वीडियो की स्टार्टिंग से ही मुंह बना के बैठी हुई है। ऐसे ना तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पता है? रहने दे यार, कितने दिनों से कह रही हूँ हॉरर वीडियो बनाते हैं, हॉरर वीडियो बनाते हैं, इतना तैयार ही नहीं हो रहा यार। अबे क्या भूतों इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए, इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए इंसान को। अच्छा चल ऐसा करते हैं, अभी ये स्कूल वाली फनी वीडियो बनाते हैं। स्कूल ओपन होने वाले हैं, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इनको क्या ही पता है कौन सा लॉकडाउन खत्म हो गया। स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, फिर से एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। बट कोई नहीं, हम ये वीडियो बनाते हैं ना, स्कूल हैक्स करते हैं। गाइस आज की वीडियो ऐसी होने वाली है जहां आप सीख सकते हो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, जिससे आपका स्कूल टाइम बन सकता है आसान आने वाले टाइम में। तो नोट कर सकते हो, आगे के काम आएगी। और अगर इस वीडियो पे आएंगे 300K लाइक्स, तो हर्ष तुझे मेरे साथ हॉरर वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं बनाऊंगा पक्का, गारंटी बनाऊंगा पक्का ना। तू प्रॉमिस कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा हूं पक्का। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कितनी क्यूट लड़की, आई थिंक किसी फैशन शो पे आई है, लिपस्टिक लगा रही है। बे फैशन शो नहीं है, स्कूल में है। स्कूल में इतना मेकअप कौन लगाता है? और स्कूल में लिपस्टिक कौन लेके आता है? पहली बात शैडो देख, तू लिपस्टिक देख रहे और यहाँ पे पिगी टेल्स बना रखे। गाइस मेरा स्कूल टाइम अगर मुझे याद है ना अच्छे से, वो दो प्लेट वाली वो चोटियां बनवाते थे तेल लगवा के, वो भी और लड़कियों की अगर लिपस्टिक दिख गई ना तो टीचर उसी टाइम निकल, पहली फुर्सत में निकल। याद है ना कितनी धुलाई होती थी? ऐसी फनी सी चोटी बना के आती थी प्रिंडा स्कूल में। ओ माय गॉड, मैंने अपनी बारे में बताने को नहीं बोला था। क्या तकलीफ है इनको? तेरा बताऊँ कैसे आता था? कंघी तक नहीं करता था, ऐसे ही आ जाता था उठ के, और उसकी लिपस्टिक लेके चली गई तो उसने देखा पेंसिल, कि पेंसिल मेरे काम आने वाली है। रबर निकाला पेंसिल का, इसने उसमें स्ट्रॉ लगाई और कट करी, लिपस्टिक मेल्ट करके भर दी। क्या जुगाड़, क्या हैक्स है, इतनी चुल लिपस्टिक लगाने की, भाई घर जाके लगा लो। अच्छा मतलब टीचर को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर रबर नहीं लिपस्टिक है। आज मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी हैक देख लिया होता तो मैं भी स्कूल में ऐसे लिपस्टिक लगा के आती। ये ऐसे वर्क नहीं करने वाला, ऐसे लिपस्टिक कैसे बना लेंगे? चल ट्राई करते हैं। ये रही लिपस्टिक, ये रहा चम्मच, चलो मेल्ट करते हैं। इसको कट करना है, एक पूरी बेहतरीन लिपस्टिक की आत्महत्या हो चुकी है, लिपस्टिक बर्बाद, और ये लिपस्टिक पूरी मेल्ट हो गई। ओके अब मैं इस पेंसिल के ऊपर की रबर उतार दूंगी। यार इतनी छोटी सी जगह है, इसमें हम कैसे भरेंगे लिपस्टिक? मुझे नहीं पता। अब हम इस स्ट्रॉ को कट करके इसके पीछे फिक्स करेंगे। ये स्ट्रॉ क्यों नहीं कट रही? ज्यादा अच्छी क्वालिटी की ले आया है, ये तो इसके पीछे फिट ही नहीं हो रही। पूरी जद्दोजहद कर दिया मैंने, बहुत जद्दोजहद के बाद हमारे पास ये पेंसिल के पीछे फनल लग चुकी है जो, और अब हम इसके अंदर डालेंगे लिपस्टिक। भाई ये गर्म है, मेरा हाथ जल सकता है। गाइज ये मत करना, मैं बता रही हूँ ये गर्म है। गंदा है यार, सीरियसली यार। ओके लिपस्टिक भर चुकी है इसके अंदर और मेरे हाथ पूरे गंदे हो चुके हैं हैक करने के चक्कर में। ऑलराइट अब हमें इसके फ्रीज होने का वेट करना पड़ेगा। 5 minutes later तो हमारी साइंस की एक्सपेरिमेंट्स की क्लास अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं और इसे निकालते हैं। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ये तो इसके साथ पूरी वापस आ गई। आई थिंक आ रहा है कलर प्रिंट ना। सीरियसली अच्छे से लगा, रगड़ रगड़ के लिप्स फट जाएंगे मेरे। तू लगा के दिखा एक बार। आई थिंक दिस हैक वर्क्स। मुझे नहीं लगता गाइस, ये बहुत ही नॉनसेंस है, क्या बिल्कुल ट्राई मत करना। एग्जाम टाइम, देखियो कितना नकली टीचर बनाया, मूछें और लगा रखी है। और ये पिंक हेडेड लड़की, यार ये लड़कियों को यहाँ पे कहाँ से अलाउ कर देते हैं ऐसे कलर करने। कितनी परेशान हो रही है, उसका फोन पकड़ लिया, फोन लेके आई है स्कूल में। वाह, ओ ऐसे फोन से चीटिंग कर रही है हर्ष, कितनी गंदी लड़की है। मैंने कभी नहीं करी ऐसी चीटिंग। मैंने भी नहीं करी ऐसे। हाँ पेपर खींच के कभी कभार करी होगी किसी के, बट फोन लेके नहीं मैं कभी। कौन है ये लोग? ये तितली बैठी है, इसकी आंखों के नीचे क्या हो गया? ये एक तो मुझे पहले बताओ, ये कोई फैशन की क्लास में आए हैं एग्जाम देने? लड़की को मिल गया नकली हाथ। कौन सा जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी और एग्जाम्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार स्टूडेंट्स। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है। नकली हाथ को अपने हुड में डाला और उससे फोन पकड़ लिया और फोन से चीटिंग। चीटा चीटा चीटा, दूसरी को चिढ़ा रही है, देखो मेरे पास फोन है। अब हम ट्राई करते हैं। प्रेरणा मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आता, मुझे चीटिंग करनी है, मुझे वो हैक सिखा। तेरे लिए मैं स्पेशल हाथ लेके आई। ये नकली हाथ है, भूतिया हाथ है, क्या क्या सामान रखती है यार तू, भूतों की सौदागर। मैंने तेरे लिए तेरे पे प्रैंक करने के लिए रखा था। क्या बोला तूने? तेरे पे प्रैंक करने के लिए रखा था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये लो पता है, इस हाथ को देखने के बाद ना एग्जामिनर मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, चीटिंग करने की बात ही अलग है। मुझे लग रहा है 10 साल बाद तो हो ही जाएगा ये हैक। अभी एक मेरा हाथ यहाँ पे, ओके अब एग्जामिनर को लगेगा कि मेरे दोनों हाथ यही हैं, यहाँ मैं फोन में फर्रे देख रहा हूँ। तो ये हैक भी वर्क करता है, बस हाथ ऐसा मत लेके आना। गाइस हर्ष के लिए तो सारे हैक्स ही वर्क करते हैं, आप बिल्कुल ट्राई मत करना, इतना छितर पड़ेंगे ना क्लास से, क्या पूरे स्कूल से निकाल देंगे।
इन्होंने थोड़ा कम मेकअप कर रखा है और उसने अपनी टाई के अंदर से स्निकर्स निकाल के खा ली। ये कैसे पॉसिबल है जादू? यार ये तो पॉसिबल नहीं है। टाई पे उसने ग्लू गन लगाई। ओके, उसने एक पूरा पॉकेट बना लिया जिसके अंदर स्निकर्स को स्टिक कर लिया। ओह गॉश, ही इज सो स्मार्ट यार। पॉकेट में रख के ना सकती थी वैसे? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, क्रिएटिविटी दिखानी थी। अरे नहीं यार, हो सकता है उसकी पॉकेट फटी हुई। ये हाथ में मेरे पल्ले ही नहीं पड़। यार बहुत भूख लग रही है, क्लास में टाइम पास नहीं हो रहा। अब मैं कैसे अपनी चॉकलेट खाऊं? मेरी टीचर देख लेगी तो मरेगी मुझे सोटियों से। काम करते हैं, टाई में लगा लेते हैं जरा। ओ मेरी टाई में तो ऑलरेडी एक ये है, सेक्शन है। ओके गाइस, हम सीधा सीधा इसके ऊपर चॉकलेट चिपकाने वाले हैं। मेरी टाई बर्बाद कर रही है ये लड़की अपनी चॉकलेट की भूख में। गाइस अब आपको पता है स्कूल में कैसे स्नीक इन करनी है चॉकलेट। ये देखो चॉकलेट बार। ओके गाइस, अब मैं चुपचाप यहाँ से चॉकलेट निकालूंगी और इसको ऐसे खा लूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा दिस हैक हुआ। प्रेरणा, ये हैक वर्क करे या ना करे, बट तेरी रिंग बहुत प्यारी लग रही है। तूने गिफ्ट करी है ना, इसलिए अपनी चीज तो अच्छी लगती है इंसान को। यार मेरा मन तो है कि और भी तेरे को गोल्ड दिला दूं, बट इस सिचुएशन का तू देख रही है ना, इस टाइम बाहर जाके लेना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अगर इतना ही मन है ना, तो अपस्टॉक गोल्ड ऐप से लेके दे मेरे को। मतलब आप ना गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हो विद अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके 30 लाख यूजर्स हैं एंड इसका इंटरफेस भी काफी इजी है। यहाँ पे आपको मिलता है 99.9% प्योर 24 कैरेट गोल्ड जिसपे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, जस्ट 3% GST देना होता है। ये आपका गोल्ड ना 100% वॉल्ट्स में रखते हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट विद इवन ₹1 अपस्टॉक गोल्ड ऐप से आप गोल्ड परचेज और सेल कर सकते हो एट लाइव मार्केट प्राइसेस, कहीं से भी किसी भी टाइम 24/7 कन्वीनियंस के साथ। और तेरे लिए गुड न्यूज है, अब ये गोल्ड की डिलीवरी भी स्टार्ट कर रहे हैं घर पे। तो गाइस वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी जाके अकाउंट खोलो, बहुत ही सिंपल है, फ्री है एकदम। साइन अप के बाद आपको मिलेगा ₹51 का फ्री ई गोल्ड। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके क्लिक करिए। क्लास में आई एक नई लड़की है। ओह कितनी क्यूट है ये। उसे देखते ही लड़की ने कहा आओ मेरे पास बैठो। उसने कहा हाथ दिया पीछे वाली बहुत चिढ़ गई है। ओ वो जेलस हो गई, उसकी आंखों में क्या था, एलियन। वो लड़की देख अब कह रही है पीछे हट पीछे हट, मेरे फ्रेंड से मैं ही बात करूंगी। वो उससे इरिटेट हो गई है। स्प्रे मारेगी, पेपर स्प्रे नहीं, पानी है उसके हाथ में, अपनी हुडी के अंदर छुपा लिया। खुराफाती काम कर रही है। आए। पहली बात तो उसने उसके ऊपर नकली छींक फेंकी, तो उसका पूरा मेकअप कैसे उतर गया। ना ये चीज तो हम यही ट्राई कर सकते हैं। क्या मैं तेरे फेस पे पानी मारूं तेरा मेकअप उतरेगा? नहीं मैं इतने लो क्वालिटी मेकअप नहीं लगाती कि एक बार ऐसे स्प्रे करना था कोशिश करके उतर जाए। ये बातें बताई नहीं जाती। एक सेकंड में उसका मेकअप साफ हो गया और दूसरा मेकअप भी हो गया। अब एंजॉय कर रही है अपने आप। और फिर उसको आया दिमाग में आइडिया, इसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं तितली के साथ बहुत गलत करूँगी। ₹1 के सिक्के से मैं क्या करने वाली हूँ, टैप पे लगा दिया उसको, टेप कर दिया। ये पानी ऑन करेगा तो स्प्रिंकल करेगा, स्प्रिंकल करके उसके ऊपर आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे उसने पीपी कर दी अपनी। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लगो। आई एम वेरी जेलस ऑफ प्रेरणा। प्रेरणा का मेकअप खराब करता हूँ जल्दी से। मेरा मेकअप ना अच्छी क्वालिटी का मेकअप, ऐसा खराब नहीं होता। मेरा मेकअप तो खराब ही नहीं हुआ। हाँ, पर मैं वो कॉइन प्रैंक तुझ पे जरूर करूंगी क्योंकि तूने मेरे को गद्दा करने की कोशिश करी है। ओके गाइस रिवेंज टाइम। अब देखो आज क्या होता है। मुंह कितना गंदा हो रहा है यार, मुंह धोऊंगा जल्दी से। मेरे पे सारे पे पानी गिर गया। ये क्या हुआ है प्रेरणा, ये कौन सा प्रैंक होता है यार? पर पानी तो ऊपर आ ही नहीं रहा था। मैंने डाल लिया अपने ऊपर। हैप्पी कितना क्यूट है, कितना क्यूट सा डॉग लेके आया है क्लास। बढ़िया, स्कूल में डॉग कैसे ले आया? हाँ यार ये कौन सा स्कूल है जहाँ पे जानवर मेकअप सब अलाउड है? यार मेरे को ऐसा स्कूल चाहिए, तो करण जौहर के स्कूल से भी ज्यादा महान स्कूल है यार। जो लड़की फिर से जेलस हो रही है और उसने मिल्का का एक रैपर लिया है, चॉकलेट लिया है और वो पू क्रिएट कर रही है डॉग का। अब वो लड़की पक्का डर जाएगी कि इसने तो पू कर दिया, मुझे साफ ना करना पड़े तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। ओह माय गॉड, कैसे भागी है उसे देख के। छी 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 छी। अबे यार डॉगी उसको मिल गया। ये डॉगी पाने का क्या तरीका है यार? तरीका है मतलब वो लड़का डॉग लेके आया था तो उसे पता नहीं था कि डॉग पू और पी भी करते हैं। अबे ये तो नहीं पता था ना कोई उस पू को उठा के खा जाएगा। एक्चुअली गाइस देखो मैं कितना क्यूट डॉग लेके आई हूँ क्लास में, मेरे सारे फ्रेंड्स का है, मैं उन्हें जलाऊंगी। ये तो डॉग ले आई, ये डॉग तो मुझे चाहिए। तो क्या करूँ मैं ट्रिक? तुझे नहीं मिलेगा ये मेरी डॉग है, मैं नहीं दूंगी इसको किसी को। जाओ यहाँ से।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो टेबल पे रख देती हूँ, उसको खेलना होगा ना। और मेरा बेबी, अब मैं लगाऊंगा अपनी ट्रिक। ये रही मेरी मेल्टेड चॉकलेट। प्रेरणा आएगी, उसे लगेगा ये पुआ और ये डॉग मुझे मिल जाएगा। Few moments later. कितनी देर हो गई, मेरी बेला अकेले बैठी है। चलो गाइस उसके पास चलते हैं। हाय मेरी बेला, ये क्या है? बेला तूने पू कर दिया, अब इसे साफ कौन करके? मैं जा रही हूँ। यू यू यू, बाय बेला। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये डॉग हुआ मेरा। इसे खाना भी पड़ता है, पता है? तो भाई ये एक्चुअल में पू लग रहा है, पता है? इस पर कितना स्टूपिड हैक है ना। कोई भी डॉग लवर क्या कभी ऐसे अपने डॉग का पूप दे के भाग जाएगा? कभी नहीं। बहुत ही स्टूपिड हैक है। इट एक्चुअली डजंट वर्क। लाइब्रेरियन के पास लड़की आई है बुक लेने। लाइब्रेरियन ने उसको बुक दे दी। तो ये और क्यों दे रही है? 3 बुक 4 5 6 भाई, इसको क्या हो गया? लाइब्रेरियन क्या हो गया? पूरे साल का सिलेबस की बुक्स आज ही दे देगी क्या? और उसको देख बैग कितना बड़ा लेके आई है। ओह माय गॉड, आज तक क्या था हमारे बैग्स? मेरे पूरे कंधे दर्द हो जाते थे और इनको इतनी छोटी पोटली दी हुई है। और देख लड़का कह रहा है, कोई बात नहीं मेरी सेनोरिटा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बैग बनाऊंगा अपनी पूरी गुडी से। वाओ मैन, व्हाट अ डीआईवाई स्कूल बैग। गाइस अगर कभी आपका स्कूल बैग फट जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, बट बस तो स्कूल में हुडी होगी नहीं, क्योंकि हमारे तो स्कूल में प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। सो स्मार्ट। ओह माय गॉड, बना बड़ा अच्छा था बैग वैसे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना। okay. तुमसे ना हो पाएगा। करके दिखाएंगे ना भाई ना। हाँ भाई हाँ, बस बन गया। ला अपनी बुक्स लेके आ, ये टेडी डालना है। हाँ, बुक्स नहीं पढ़ने की, पढ़ाई नहीं करनी तूने। मैं बुक्स लेके नहीं जाती अपने स्कूल। माय गॉड, गेमिंग गर्ल। अभी से टांग बैग को। भाई सही है यार, बढ़िया है, ऐसे लग रहा है बच्चा डाला हुआ पीछे बैग के अंदर। मैं जा रहा स्कूल, बाय बाय। ये फिर से एग्जाम टाइम आ गया और ये वो स्टूपिड टीचर, नकली बालों वाला, उसका फोन, उसके फर्रे कैप में इतने फर्रे। ओ भाई फिर भी उसको मतलब एग्जाम हॉल से निकाल ले रहा फर्रे लेने के बाद भी। मुंह के यार, ये कहां से आए नमूने? अबे पढ़ लेती थोड़ा। मुझे लगता है अभी इसके पास और फर्रे हैं। मैं शक्ल बता रही हूँ इसकी, शक्ल बता रही है। जींस पे पैरों पे लिख के आई है क्या बंदा? अरे पर उसने पकड़ लिया, वो कह रहे निकल क्लास से निकल। टीचर बहुत बढ़िया था हमारा है। ये लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, दोनों रो रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। लड़की ने इतना मेकअप किया हुआ है, मजाक हो रही है। Okay, वो रो रही है, उसकी लिपस्टिक लेके चला गया। अब उसकी लिपस्टिक से क्या कर रहा है? वो खुद मेकअप कर रहा है अपना। अच्छा, कह रहे तुमने इतना मेकअप करा है तो मैं कम मेकअप क्यों करूं? करो ना भाई, मैं लाल हो गया एकदम। हाँ ये अपने आपको बीमार बना रहा है। आई नो दिस ट्रिक। यहाँ पे ऐसे लाल लाल हो जाएगा तो ऐसे लगेगा ओह माय गॉड इसको कितना फीवर है बेचारे को। बैठ गया अपनी फ्रेंड के पास जाके, वो डर रही है, कह रही है भाई आजकल वैसे टाइम अच्छा नहीं चल रहा। टीचर कह रहा है भाई निकल क्लास से निकल। इतनी कमाल की चीज होती है लिपस्टिक। आज मुझे लिपस्टिक पे और भी गर्व फील होता है कि हम लड़कियां लिपस्टिक यूज करती हैं। यार ये हम स्कूल हैक्स कर रहे हैं या लिपस्टिक हैक्स कर रहे हैं? इस तितली को भूख लग रही है, भयंकर भूख, भयंकर। ऐसे बेचारी ने ओरियो का पैक खोला और सारे दोस्त देखने लग गए। उसको एकदम से आया दिमाग में आइडिया, अपने स्टिकी नोट्स लिए, सारे स्टिकी नोट्स कट करके उसके अंदर ओरियो छुपा लिया। क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। ये क्या है भाई, अक्लमंद लड़की कह रही है कि मैं छुपा के खाऊंगी। सारे स्टिकी नोट्स बर्बाद, पैसा बर्बाद। ओके, स्कूल की क्लास के बाहर इंस्पेक्शन हो रही है। यार बच्चे कितने शरारती हैं, सारे इतनी कैंडीज लेके आते हैं स्कूल में। स्कूल आते क्यों, कैंडी शॉप में चले जाओ, वहीं खाते रहो बैठ के। एक ने क्या करा, अपने रबर बैंड्स लिए और उसे टाई कर दिया। डोंट टेल। ओह गॉड, ओह गॉड, दो लॉलीपॉप्स छुपा लिए अपने बालों में और टीचर को पता भी नहीं चलेगा। ना तू करना चाहती है? नहीं। काफी महत्वपूर्ण हैक है, काफी अच्छी टिप्स दी है इन्होंने हमें। मैं इन टिप्स को अब कभी प्रयोग नहीं करना चाहूंगी। अगर आप करना चाहो तो तू कर सकती है। कभी बेला तेरे पास नहीं आना चाह रही हो, मैंने लिया हो, तू ये ट्रिक अपना सकती है। आई डोंट माइंड। तो गाइस मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूं, बिकॉज़ यू नो आप अगर ये हैक्स ट्राई करना चाहते हो तो डू टेल अस इन द कमेंट्स अब कौन सा हैक ट्राई करने वाले हो। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू वंडर्स हब, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जाने से पहले गाइस, अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अपस्टॉक गोल्ड ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट अपना फ्री अकाउंट ओपन करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। दैट्स इट गाइस, खत्म होगी वीडियो। बाय 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 बाय।